नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रेसिपी हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली रेसिपी हम क्यों यूज करते हैं? रेसिपी हम अपने स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए करते हैं। लाइक अपना बाहर से है, उसमें अपने को जो भी बॉटल्स वाइन्स बियर्स हैं उनका इन्वेंट्री मैनेज करना है, किचन का स्टॉक मैनेज करना है, तो फूड कंजप्शन जो भी हमारा होता है, कंजप्शन कॉस्टिंग निकालने के लिए, फूड कॉस्टिंग निकालने के लिए हम रेसिपी यूज कर सकते हैं। तो रेसिपी हम किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं, कैसे रेसिपी बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें रेसिपी आइटम क्रिएट करने होते हैं। स्टोर के अंदर जाके हमें स्टोर में हम जाएंगे, स्टॉक मास्टर में जाते हैं, यहाँ आइटम ना मास्टर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से सपोज जैसे कैटेगरी का हमें सपोज हार्ड ड्रिंक का स्टॉक रेसिपी आइटम बनाना है, यहाँ पर आइटम टाइप हम रेसिपी आइटम सेलेक्ट करते हैं, टैक्सेशन सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी लगाते हैं। इसमें मैंने सपोज एक आइटम बनाया किंग फिशर, स्ट्रांग 650 ml एक बोतल है बियर्स की, इसका मैंने ये रेसिपी आइटम बना दिया। मेन्यू आइटम मेरे पहले से बने हुए हैं। एक मैंने बनाया बकार्डी रम, जो वाइन बोट का बोटल्स आती है वो जनरली 750 ml की आती है मार्केट्स में। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था, इसमें हम यूनिट भी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से यूनिट सब यूनिट सपोज अभी इसको मुझे एडिट करना है, तो मैं यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया किंग फिशर। अब जो मैंने अभी आइटम क्रिएट किया था वो यहाँ ये आइटम्स है। यहाँ पे मैंने सपोज ये बोतल की बोतल कंजप्शन होता है, सेल भी मैं परचेज भी बोटल्स में खरीदता हूँ, तो यहाँ पे सब यूनिट भी बोटल सेलेक्ट कर लिया। दूसरा आइटम मैंने बनाया था बकार्डी, ये मिलता। अब ये मैं बोटल्स में परचेज करता हूँ, बट हमारा इसका कंजप्शन जो होता है वो एमएल्स में होता है। मैंने इसका रेशो सेट कर रखा है यहाँ पर, क्या 1 बोटल्स में ये 750 ml की बोतल होती है। तो ये मैंने एक रेसिपी आइटम, सपोज मुझे एक किचन का करना है, कोई पनीर्स का स्टॉक रेसिपी बनाना है, पनीर किस किस डिश में मेरा यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, एक आइटम बना दिया पनीर नाम से। यहाँ से पनीर मैंने आइटम बना दिया, रेसिपी आइटम टाइप ले लिया, यहाँ यूनिट में केजी सेलेक्ट कर लिया सब यूनिट, क्योंकि इसका कंजप्शन मेरा ग्राम्स में भी होता है, तो मैंने यहाँ रेशो सेट कर 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, सेव कर देंगे। अब मुझे जो हमारा मेन्यू आइटम्स है उसका रेसिपी क्रिएट करना, तो कैसे करूँगा? पहले रेसिपी पर क्लिक करूँगा, रेसिपी मास्टर पे ऐड रेसिपी पे क्लिक करते हैं। अब मुझे मेरा जो ड्रिंक्स की बोतल थी किंग फिशर वियर्स की, मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी, कितना मैं सेल कर रहा हूँ, एक क्वांटिटी किस में कर रहा हूँ, किस यूनिट में, बॉटल्स में सेलेक्ट कर लिया। कॉस्टिंग मैंने सेट कर दी, कितना कॉस्टिंग मिल रहा है इसमें आती है, मैंने सेल टाइप क्वांटिटी सेट कर दी। यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड कर दिया इसका। अब रेसिपी आइटम सेलेक्ट करूँगा मैं स्टोर से कंजप्शन के लिए, जो इसका रेसिपी आइटम है, तो इसका जो रेसिपी आइटम है जो अभी हमने बनाया था वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, ये किंग फिशर स्ट्रॉन्ग 650 ml, और यहाँ से कितना बोतल जब ये सेल होगा तो कितना स्टोर से कंजप्शन होगा। तो इस तरीके से हम कई बार जो बार्स होते हैं उनका टावर्स या उसमें भी बोतल देते हैं, जैसे एक टावर्स में 3 बोतल्स यूज के दिया, तो यहाँ पे हम एक आइटम टावर्स के नाम से बना देते हैं, उसमें एक प्रोडक्शन क्वांटिटी में हम 3 यूज करते हैं, यहाँ पे फिर कंजप्शन में भी हम 3 दिखाते हैं। फिर से मुझे ml वाले का बनाना है, जो मेरा आइटम था, तो ऐसे ही। और दूसरा बनाना है मुझे पनीर के, एक पनीर बटर मसाला है, मैं किचन का कैसे बना सकता हूँ, मैंने डिश का नाम सेलेक्ट किया पनीर बटर मसाला,
कितना मेरा एक प्लेट सेल हो रहा है, कॉस्टिंग परसेंटेज सेट कर दिया। अब इसमें मेरा कितना पनीर यूज में हो रहा है वो मैं यहाँ से सेट करूँगा। सपोज एक पनीर बटर मसाला में मेरा 150 ग्राम्स यूज होता है। इसमें और भी मटेरियल यूज होता है, तो हम यहाँ जैसे साल्ट्स में से साल्ट हमारा ये आता साल्ट, इसमें से कितना ग्राम साल्ट यूज कर रहे हैं हम वो भी यूज करते हैं। सपोज 2 ग्राम्स, सपोज 2 ग्राम्स में से जो भी आइटम यूज करते हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं तरीके से। तो ये हमारा इससे क्या, इससे डिश को बनाने में हम क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं यहाँ इस तरीके से इसका रेसिपी सेट कर सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड टाइप करते हैं। अगर हमें एडिट करना है किसी आइटम का रेसिपी या डिलीट करना है फिर से, तो यहाँ पर एडिट रेसिपी पर जाते हैं। उसके लिए यहाँ पे उस आइटम का नाम सेलेक्ट करते हैं जिसका हमें जिसका एडिट करना है। शो पे क्लिक करते हैं, इसके बाद सेलेक्ट किया, डिलीट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे इसका स्टोर सेट करना है कंजप्शन किस में से, जैसे गलत सेट हो रहा था तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया कार्डी रम, इसमें से कितना कंजप्शन हो रहा है वो सेट कर दिया और सेव कर देते हैं। अगर पूरा कैंसिल करना होता है डिलीट कर देते हैं। इस तरीके से हम नया रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं।